चूहे को भ्रम हो जाता है कि ऊंट की लगाम उसके हाथ में है। क्या होता है कि जब राजस्थान में ऊंट वाले लोग ऊंटों को बांध देते हैं तो लंबी रस्सी होती है, तो कई बार बीच में चूहा उसको कुतरने के लिए पकड़ लेता है। फिर वो जो ऊंट का मालिक होता है जब सवेरे रस्सी की गांठ खोलता है तब तक चूहा को पता नहीं लगता कि रस्सी खुल रही है, तो वो आगे आगे चलता है तो वो पकड़े रहता है उसको, तो वो समझता है कि ऊंट को मैं चला रहा हूँ और ऊंट की लगाम मेरे हाथ में है। और जब ऊंट थोड़ा तेजी पकड़ता है जोर से तो ऊंट के खुर के नीचे जब चूहा की पिछलन उड़ जाती है तब इसकी समझ में आता है कि लगाम मेरे हाथ में नहीं थी। अहंकार जो लोगों को हो जाता है, जैसे चूहे को हो जाता है कि ऊंट की लगाम मेरे हाथ में है, इसी तरह से लोगों को अहंकार हो जाता है कि हम सत्ता में क्या बैठ गए, हम भगवान हो गए। कई बार लोगों ने मुझसे पूछा कि ये राहुल और सोनिया जी और प्रियंका जी, इन्हें जो राजीव गांधी और इंदिरा गांधी संग्रहालय के नाम पर जो घोटाला किया और नेशनल हेराल्ड का जो पैसा इधर से उधर कर दिया वो क्यों कर दिया। मैंने कहा अभी तुम लोग उनका माइंड पढ़ो, तुम ये मत देखो कि उन्होंने क्या किया, तुम इसको देखो कि उन्होंने करने के पहले क्या सोचा। इसको देखो क्या है, कांग्रेसियों को यह भ्रम हो गया था कि देश के हम राजा हैं और ये जो परिवार है वो हमारा राजघराना है। तो जैसे पहले राजा लोग जिसका चाहे खेत छुड़ा लें, जिसकी चाहे ईंटें उठा लें, जिसकी चाहे घर उठा लें, जिसका चाहे राज्य छुड़ा लें, यही दिमाग में इनके बैठ गया था कि क्या फर्क पड़ता है, इधर का पैसा उधर शिफ्ट कर दो और उधर का पैसा इधर शिफ्ट कर दो। अब आपको पता होना चाहिए कि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी दोनों जमानत पर बाहर है, आप ध्यान रखिएगा। और उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने सरकारी धन की इधर से उधर हेराफेरी की है, ये स्थिति है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार को बने होंगे, अब 10 साल होने को आ गए, 10 साल में बोलो एक भी मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा केंद्रीय मंत्री के ऊपर। मैं खुद केंद्रीय मंत्री रही हूँ 5 साल मोदी जी के साथ, तो मैंने ही कहा कि मुझे 5 साल चुनाव नहीं लड़ना और मैं 24 का चुनाव लड़ूंगी, लड़के रहूंगी 24 का चुनाव। ये तो 3 साल से तो भ्रम घर टूट गया, हम दोनों की जुगलबंदी जो शराबबंदी के समय पर हुई तो लोग समझ गए कि ये दोनों भाई बहन एक हैं। कोई झगड़ा शिवराज जी से कभी हो ही नहीं सकता था, जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। और इसलिए हम दोनों के मन में कभी वह मनस्यता नहीं रही। और इसलिए जब मेरी सरकार की जगह पर शिवराज की सरकार बनी तो मुझे एक ही चिंता थी कि मेरी तपस्या से बनी हुई सरकार कहीं भोग विलास का साधन न बन जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, शिवराज ने तपस्या करके इस सरकार को लगातार गन्ने की फसल की तरह दोहराया, इतनी मेहनत करी, इतनी तपस्या करी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।